मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय फल शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ दिखी। फूलों की प्रदर्शनी आम जनता के आकर्षण का केंद्र बनी। उम्मीद फाउंडेशन के बच्चे भी इस प्रदर्शनी में पहुंचे, जहां रंग बिरंगे फूलों को देखकर बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखी। इस वक्त हम राजभवन में मौजूद हैं, यहाँ पर एक खूबसूरत प्रदर्शनी फूलों की लगाई गई है। हाँ, हम बहुत देर से यहाँ पर घूम रहे, देख सकते हैं कि आप बहुत ही प्यारी तरीके से सजाया गया है। तो यहीं पे कुछ बच्चे हमें मिले और ये फाउंडेशन की मैम है, आराधना मैम, उम्मीद फाउंडेशन है इनका, और मैम से हम बात करते हैं कि मैम सबसे पहले आप बताइए, आज आप बच्चों को लेकर आई हैं यहाँ पर, उन बच्चों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारी जो गवर्नर महोदय है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैम हमेशा कहते हैं कि मैम बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, सबकी मदर की तरह ही हैं, और वो हमेशा ऐसा कोई भी ओकेज़न नहीं जाता जहाँ पर वो इन लोगों को छोड़ती ना हो। तो इस तरीके से मैं ये बोलूँगी कि आज मैम के द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि मैम चाहती थी कि उम्मीद संस्था के जितने भी बच्चे हैं उनको तीनों दिन 17, 18, 19 तीनों दिन उनको लेकर आया जाए और इनको भी दिखाया जाए जो शहर की खूबसूरती है, क्योंकि अगर आप इनके बस्ती में जाएंगे या इनके नज़दीक में जाएंगे तो शायद ऐसा खूबसूरत माहौल नहीं मिलेगा। तो शायद कहीं ना कहीं ये भी एक प्रेरणा स्रोत है इनके अंदर बदलाव के लिए और इनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि जो काम ये कर रहे हैं वो उनको छोड़ सकें और पढ़ाई की तरफ और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए अग्रसर हो सकें। ये हमारे साथ थी उम्मीद फाउंडेशन की मैम, जिन्होंने बताया कि इन बच्चों की जो है पालन पोषण करने के बाद लोगों को जैसे अलग छोड़ देते हैं, उनका सहारा बनती ये संस्था, इंटरनेशनल संस्था है। आज बच्चों के लिए गए, हमारे साथ कुछ बच्चे भी, इनसे भी जानने की कोशिश की। बेटा क्या नाम? पुष्पा। अच्छा, ये कैसा लग रहा है आज राजभवन आई को? बहुत अच्छा फील हो रहा है और काफी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे शायद हमने लाइफ में कभी ऐसा अच्छा सुंदर जगह देखा ही नहीं। क्या नाम? मोहिनी। अच्छा, कैसा लग रहा है राजभवन में आज? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग तो कभी आज तक सोच ही नहीं सकते थे कि हम भी लोग इतने बड़े बड़े लोगों के साथ। मैम को क्या कहना चाहेंगे? मैम को तो थैंक यू से भी ज्यादा, ये मैम तो हम लोग के लिए पूरा भगवान हो चुकी है। हम लोग आज तक सोचते नहीं थे कि हम लोग इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आएंगे और इतनी अच्छे अच्छे खूबसूरत जगह देख पाएंगे। आज हमें ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है। देखिए बच्चों के चेहरे पे किस तरीके की खुशी जाहिर हो रही। उम्मीद फाउंडेशन जो संस्था है, इनकी इंटरनेशनल संस्था है, आज बच्चों को लेकर एक चमक, एक झलक दिखाई दे रही है कि इसी तरीके से जो गरीब आशा है बच्चे हैं उनके कार में बैठ जाती होती है। कैमरामैन हरीश रावत के साथ।